पार्क को लेकर के विवाद हो रहा है कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी का पार्क का नाम बदल करके कोकोनट पार्क कर दिया, उसका उद्घाटन करना। कोकोनट पार्क तो शुरू से नाम है उसका। ये नया मोहरा ये लोग बन रहे हैं भाजपा के लोग, ये लोग गलत कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, रूमर उड़ रहा है मीडिया के थ्रू। उसका नाम बदला गया, कोई नाम नहीं बदला गया, कोकोनट पार्क ही है उसका नाम, शुरू से उसका नाम कोकोनट पार्क ही है। हमारा काम है पार्क का उद्घाटन, वन पर्यावरण मंत्री हैं तो पार्क का उद्घाटन होगा। नीतीश कुमार के एक फटकार के बाद तेज प्रताप यादव ने अपना फैसला बदल लिया, हालांकि तेवर अभी भी वही है जो पहले हुआ करता था। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलकर नारियल पार्क कर दिया। उनका कहना है कि पार्क को 2018 तक कोकोनट पार्क ही कहा जाता था। भाजपा ने पार्क का नाम बदलने के लिए बिहार सरकार की आलोचना की और इसके बाद तेज प्रताप यादव का बयान भी आ गया है। तेज प्रताप यादव ने बताया कि उस पार्क का नाम पहले भी कोकोनट पार्क ही था और आज भी वही है। तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों का आप सुनिए। प्रताप जी, पार्क का जो अनावरण हो रहा कर रहे हैं, जगह जगह बहुत सारे पार्क बने हैं, तो इसमें गड़बड़ क्या है? हमारा काम है पार्क का उद्घाटन, वन पर्यावरण मंत्री हैं तो पार्क का उद्घाटन होगा। एक और अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के विवाद हो रहा है कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी का पार्क का नाम बदल करके कोकोनट पार्क कर दिया, उसका उद्घाटन करना। कोकोनट पार्क तो शुरू से नाम है उसका। ये नया मोहरा ये लोग बन रहे हैं भाजपा के लोग, ये लोग गलत कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, रूमर उड़ रहा है मीडिया के थ्रू कि उसका नाम बदला गया, कोई नाम नहीं बदला गया, कोकोनट पार्क ही है उसका नाम, शुरू से उसका नाम कोकोनट पार्क ही है। जी जी जी। तो क्या उद्घाटन करने जाएंगे वहाँ? तो आपने सुना, मंत्री तेज प्रताप यादव को आज कई पार्कों का उद्घाटन किया जाना था, जिसमें से एक पार्क कोकोनट यानी अटल बिहारी वाजपेयी पार्क था। हालांकि जब मीडिया में यह खबरें चली कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो पार्क था उस पार्क का नाम अब बदला जा रहा है, जिसके बाद तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन लिया और तेजस्वी यादव से बात किया और कहा कि जो काम हो रहा है उसे तुरंत रुकवाया जाए। इसके पीछे का कारण हर व्यक्ति समझता है, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में दिल में जो सम्मान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति है वो जग जाहिर है। हर बयान में वो अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र ही नहीं करते, बल्कि यह भी कहते हैं कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी का है। और यह सत्य भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी नीतीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा सिर्फ मानते ही नहीं थे, बल्कि सम्मान भी दिया करते थे। उनके कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे और इसीलिए नीतीश कुमार आज भी जब उनका नाम लेते हैं तो वो उन दिनों का जिक्र ज़रूर करते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार ने तुरंत तेजस्वी यादव को फ़ोन किया और कहा कि जिस पार्क का उद्घाटन होना है जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है उसका नाम नहीं बदला जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, तमाम पार्क का उद्घाटन किया गया लेकिन उस पार्क को छोड़कर जिस पार्क को लेकर विवाद हो रहा था। हालांकि तेज प्रताप यादव का मानना है कि इस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी पार्क यहाँ के स्थानीय लोगों ने रखा और भाजपा के जो विधायक है उन्होंने अपने मन से रखा है, बल्कि ऑन पेपर आज भी इस पार्क का नाम कोकोनट पार्क यानी नारियल पार्क जो है वो ही है, इसलिए इस पार्क का नाम बदला बिल्कुल नहीं गया है। जो काम चालू हुआ था या फिर यूं कहें कि उद्घाटन जो होना था उस पर तुरंत रोक लगा दी गई। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।